नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने आज भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने हमला बोलते हुए चिराग पासवान को साफ तौर पर कहा कि चुनाव का इंतजार करें आप सब, चिराग पासवान सबसे माफी मांगेंगे और सबके पैर भी छुएंगे। आइए सुनते हैं आगे क्या कुछ उस पर कहते हैं। अरे पापा, हमारे राजन पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री रामदास पासवान जी, उनको सचिन अम्बेडकर जी बोला जाता है, उन्होंने अम्बेडकर जी के कार्य को आगे बढ़ाया, उनकी विचारधारा पे वो चले, उसी विचारधारा पे हम लोग आगे चलने का काम कर रहे हैं। आज आजादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें पूरे देश जिस तरीके से दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का जो हाल है वो इतना अच्छा नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय लोक मुक्ति पार्टी संकल्प लेती है, तब तक दलितों वंचित गरीबों की लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक मानसिक सामाजिक राजनीतिक ये बहुत ही सोचने वाले विषय है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, अभी जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, उसके माध्यम से बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया है, समझ गई है कि कौन ढोंगी है, कौन झूठ है, कौन परहेज करते हैं और कौन सच्चाई का राह चुनते हैं। इसका बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया हमारे यहाँ हमारे बीच में हमारे निर्वाचित भूषण जी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय लोक मुक्ति पार्टी के सिंबल पर, हमारे राष्ट्रीय लोक मुक्ति पार्टी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक जीत इन्होंने ब्राह्मण की। बहुत लोग अटकल लगा रहे थे, काफ़ी आपने एक प्रोपेगेंडा देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ, ये वायरल हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है साथियों, उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने बताया है विरोधियों को कि कौन दलितों की बात करता है, कौन पिछड़ों की बात करता है, कौन हमारी बात करता है, कौन देशवादी बनाने की काम करता है। तो हमें अपने नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारा जी पे पूरा विश्वास है, हमारे एक एक कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी उनके जो आदर्श थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता, जो गरीब पिछड़ी दलित जो है उनको आगे बढ़ाने का, उनको हिम्मत देने का हम लोग काम करेंगे। आज मैं सभा में आए सभी अपने नेता जन, अपने साथियों, अपने पदाधिकारियों, अपने जिला के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी बिहार के तमाम भारत सरकार के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए थे और उस समय उन्होंने अपने कलम से बीपीसी जी से काम करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाया। उन्होंने पहली बार भारत रत्न की उपाधि स्वर्गीय पासवान जी के कलम से उनको दिलाया गया। दूसरा सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं थी, सेंट्रल हॉल में मूर्ति है, भाजपा कार्यालय के सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगवाया गया। और उसके अलावा आज जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को पूरे देश में सरकारी छुट्टी घोषित किया गया। ये हमारे बड़े भाई साहब का देन था, उनके नाम लाल पासवान जी का, इनके चलते आज पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो जानते हैं, पहचानते हैं और सभी धर्म के लोग उनकी पूजा भी करते हैं और उनका जयंती भी मनाते हैं। आज के माध्यम से आज जो व्यक्ति जो रामदास पासवान जी का बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान किया, आज वो खुद हम लोग के बीच में नहीं है, ये हम लोग के लिए, खास देश के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुकरण में रामदास पासवान जी को देश का स्वर्गीय अंबेडकर माना जाता है। पूरे देश में दलित समाज ही नहीं, सभी समाज धर्म के लोग उनको ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव को।